12 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रही अमरावती की सांसद नवनीत राणा का नाम इन दिनों पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। नवनीत राणा को लेकर एक के बाद एक चर्चे सामने आ रहे हैं। अब इन सबके बीच में सवाल ये उठता है कि आखिर नवनीत राणा को उद्धव सरकार ने किस चीज की सजा दी है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने नवनीत राणा को पहले अमरावती आने से रोका, फिर महाराष्ट्र पुलिस ने सरकार के इशारे पर नवनीत को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया। हालांकि राजद्रोह का आरोप नवनीत राणा पर से हट चुका है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको नवनीत राणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें बताएंगे। आपको बता दें, नवनीत राणा को उनके तमाम विपक्षी लोग मोदी भक्त भी कहते हैं, जिसके पीछे की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए नवनीत राणा के बयान हैं। नवनीत राणा ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया है, जब वो प्रधानमंत्री मोदी से पहली बार मिली तो बेहद उत्सुक थी। नवनीत बताती हैं कि जब उन्होंने मोदी का अभिनंदन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनीत से पूछा, पहले ये बताएं कि मेरी इतनी बड़ी लहर में आप कैसे चुनकर आ गईं, ऐसा क्या जादू आपने लोगों पर किया। नवनीत का कहना था, वो अपने जीवन में पहली बार किसी प्रधानमंत्री से मिली, इससे पहले उन्हें किसी और पीएम से मिलने का मौका नहीं मिला। नवनीत ने तब प्रधानमंत्री मोदी को बताया, जैसे आप सारे देश के लोगों से कनेक्ट रहते हैं, वैसे ही मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के बीच प्रचार करती हूँ, यही मेरी जीत की वजह है। नवनीत ये भी बताती हैं, तब मोदी जी ने मुझसे कहा, आप जैसे लोग हमारे पक्ष में होने चाहिए, जो मेरे नाम पर नहीं बल्कि अपने नाम और काम पर जीत कराएं। नवनीत का कहना था कि वो मोदी जी से बेहद प्रभावित हैं, क्योंकि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद वो ऐसे नेता हैं जिनका प्रभाव सारे देश के लोगों पर है। भारत की जनता उन्हें बेहद चाहती है और यही उनकी जीत की वजह है। आपको बता दें, पंजाबी और साउथ इंडियन फिल्मों में एक्ट्रेस रही नवनीत कौर का जन्म 3 जनवरी 1986 को मुंबई में हुआ। इसके बाद उन्होंने रवि राणा से शादी कर ली, जो खुद अमरावती से ही निर्दलीय विधायक हैं।